हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से आपका स्वागत है गॉड गिफ्ट हेल्थ टिप्स में। फ्रेंड्स, आज आपको मैं एक ऐसा नुस्खा बताने जा रही हूँ जिससे आपके बाल काले, लंबे और घने हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, सभी को याद है कि हमें क्या करना है। हमारे चैनल को आपको लाइक करना है, शेयर करना है एंड आप सभी को हमें सब्सक्राइब करना है। जो हमारे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बालों से संबंधित कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी जिससे आपकी बालों से रिलेटेड कई परेशानियां दूर हो जाएंगी, जैसे कि आपके बालों का झड़ना, टूटना और बालों का जल्दी सफ़ेद हो जाना। बालों की डैंड्रफ से संबंधित सभी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। फ्रेंड्स, आजकल हम देखते हैं कि इस दौड़ धूप भरी ज़िंदगी में हम सबकी लाइफ इतनी बिजी हो गई है कि हम सभी अपने बालों की बिल्कुल केयर नहीं कर पाते, जो कि हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आजकल हम देखते हैं कि कम उम्र के बच्चे हैं जिनके बाल सफ़ेद होने लगते हैं, झड़ने लग जाते हैं। उन्हीं सब बालों से संबंधित मैं कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगी जिससे बालों से रिलेटेड आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको एक ऐसा ऑयल बनाने सिखाऊंगी आज जिससे आपके बालों से रिलेटेड सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो हमारी फ्रेंड्स फर्स्ट टिप्स है, सबसे पहले हमें 2 चम्मच मेथी दाना लेंगे। फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि मेथी दाना में प्रोटीन और जिंक भरपूर मात्रा में होता है, जो कि हमारे बालों को घना करने में हमारी मदद करता है। उसके बाद 6-7 कली कच्चे लहसुन की साफ़ करके लेनी है, जो कि कच्चा लहसुन हमारे बालों को झड़ने से रोकता है। फ्रेंड्स, हम एक कांच की शीशी में सबसे पहले 6-7 कली लहसुन के काट कर डालेंगे और उसके बाद उसी बोतल में 2 चम्मच दरदरा कुटा हुआ मेथी दाना डाल के दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद हम उस बोतल में नारियल की कुछ 15-20 चम्मच तेल की डालेंगे, जो कि हमारे बालों को मजबूत कर देता है, और उन सबको हम 5 मिनट तक अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, उसके बाद आपको अरंडी का तेल भी 4 चम्मच उसी ऑयल में मिक्स करके डालना है और उसे कुछ देर तक ऐसे ही रख देना है, जो कि आपके बालों को काला कर देगा। फ्रेंड्स, आपको जब भी ये तेल की मालिश करेंगे उससे पहले आप थोड़ी देर इस तेल को धूप में रख कर फिर इस तेल का इस्तेमाल करें, और ऐसा आपको वीक में 2 बार करना है। फ्रेंड्स, आप खुद ही आप फ़र्क देखेंगे अपने बालों में कि कुछ दिनों में आपके बाल काले, लंबे और घने हो जाएंगे और आपके बालों का झड़ना बंद हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब हमारी सेकंड टिप्स हैं, मैं आपको सेकंड ऑयल बनाना बताऊंगी जो कि आपके बालों को काला, लंबा और घना कर देगा और आपके बालों को झड़ने से भी रोकेगा। इस ऑयल को बनाने के लिए सबसे पहले 20 से 25 चम्मच सरसों का तेल लेंगे और उसे अच्छे से गर्म कर लेंगे। अब उसमें फ्रेंड्स, हम 1 चम्मच कलौंजी डालेंगे, जो कि आपको किसी भी पंसारी की शॉप पे आसानी से मिल जाएगी। फ्रेंड्स, उस सरसों के तेल में आपको कलौंजी डालकर आपको 5 से 7 घंटे तक उसी में रहने देना है, जिससे फ्रेंड्स उसका जो सारा कस है कलौंजी का वो उसमें निकल जाएगा। उसके बाद आपको उस तेल को अच्छे से छानकर कांच की बोतल में भर कर रखना है। इस तेल की मालिश आप मैं आपको एक ख़ास तरीका बताऊंगी। इस तेल की मालिश आप रात को सोते वक्त ही करें। 2 चम्मच तेल में 4-5 बूंदे नींबू की डालकर इसकी मालिश करें। फ्रेंड्स, उसके बाद आप जब मॉर्निंग में उठेंगे उसके बाद आप रीठा पाउडर से आप अपने हेयर को वॉश करें। ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपके बाल पहले से ज़्यादा चमकदार हो गए हैं एंड मुलायम हो गए हैं। फ्रेंड्स, आपको इस तेल को लगाने से जिन व्यक्तियों के बाल हमने अक्सर देखा होगा कि बिल्कुल बाल उड़ जाते हैं बीच में से या साइड में से आगे से, है ना, तो जहाँ जहाँ पे आपके उड़ गए हैं ना बाल, फ्रेंड्स वहाँ पर ये तेल का इस्तेमाल करें। आप रोज़ इस तेल की मालिश करें सोते वक्त, तो आपके खुद फ़र्क देखेंगे। 20 दिनों में आपके बाल वहाँ पर आना, नए बाल आना शुरू हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और जो हमारे नए चैनल पे नए हैं उन्हें सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है।
और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सब लोगों को हमारी मदद मिल सके। तो फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से आ सके उसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। तो फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई टिप्स के साथ। ओके, बाय बाय।